वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साल प्रकाश पुरब शताब्दी समागम दे संपूर्णता समागम 19 तो 21 अप्रैल तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़े उत्साह अते सत्कार सहित करवाए जा रहे हैं। इस दे बारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी ने प्रचारक साहबान के नाल बीते दिन मुलाकात भी की अते उलीके गए समागम संबंधी जानकारी भी दी। एडवोकेट धामी जी ने कहा कि नवें पातशाह जी के 400 साल प्रकाश पुरब शताब्दी वरे की संपूर्णता समागम यादगारी होणगे। 21 अप्रैल के मुख समागम तो पहला 19 अप्रैल को गुरुद्वारा प्रकाश स्थान गुरु के महल और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए जाएंगे, जिन्हों के भोग 21 अप्रैल को पैणगे। 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे श्री अकाल तख्त साहिब तो गुरुद्वारा गुरु के महल तक नगर कीर्तन सजाया जाएगा और इसे दिन शाम को गुरुद्वारा गुरु के महल विखे विशेष कीर्तन दरबार भी उलीकया गया है। 21 अप्रैल को गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे मुख समागम विच सिंह साहिबान सिख पंथ दीआं प्रमुख शख्सियतां हाजरी भरन गईआं। पंथ दे प्रसिद्ध रागी ढाडी अते कथावाचक गुरु साहिब जी दे जीवन अते उहनां दे उपदेशां नाल संगत नूं जोड़नगे। समूह संगत नूं इन्हां समागमां विच भरवीं शमूलियत करन दी बेनती है जी। विदेशां विच वसदे सिखां ने अपनी दस्तार दे सहत साबत सूरत रहि के बड़ा नामणा खट्टिआ है। इन्हां विचों इक ने इंग्लैंड दे MP सरदार तनमनजीत सिंह ठेसी जो बीते कल श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होने लिए पहुँचे। परिवार सहित श्री दरबार साहब के दर्शनों उपरंत उन्होंने कहा कि इतने आ के मैं बहुत खुशी मिली है तो मेरा सुभाग है कि मैं परिवार समेत इतने नतमस्तक होने लिए पहुँचा है। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्फॉर्मेशन दफ्तर विखे उन्हों का सन्मान किया गया। खालसा साजना दिवस में समर्पित तख्त श्री दमदमा साहिब विखे विशेष समागम उलीके गए ने। इन्हों समागमों के जिथे पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी और कथावाचक संगत को गुर इतिहास के नाल जोड़ रहे हैं, उत्थे ही जे संगत की रिहायश की गल करिए रिहायश के लिए भी तख्त साहिब वालों उचेचे प्रबंध किए गए हैं। टेंट सिटी का निर्माण किया गया है ताकि संगत को किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। विदेशों में वसदे सिखां ने जिथे साबत सूरत रेंदे हुए वख-वख अहुदियां ते माण प्राप्त किया है, उत्थे ही कुछ छोटी सोच के मालकां वल्लों सिखां दी वक्री पहचान नूं वेखदे हुए उन्हां नूं नस्ली हमलों का शिकार बनाया जाता है। अमेरिका विच बीते दिनी भी सरदार निर्मल सिंह ते नस्ली हमला किया गया, भावें कि उस केस दे विच कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पर एक ताज़ा मामला होर सामने आया है जिथे न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल क्यून्स इलाके दे विच दो सिखां नूं नस्ली हमलों का शिकार बनाया गया है। इस घटना से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सिखां ते अजिहे हमले बंद होने चाहिए ने अते दोवां सरकारां नूं मिल के अजिहे नियम लिखने चाहिए ने तां जो कोई भी बार बार सिखां नूं इस तरह नस्ली हमलों का शिकार ना बनावे। इत्थे यह भी दसनयोग है कि न्यूयॉर्क हेट क्राइम वालों इस घटना के संबंध में एक गिरफ्तारी भी कर ली गई है। ਅਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ, ਦੋ ਭਾਜੀ ਹੋਣੇ ਕਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਿਊਯੋਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ खालसा साजना दिवस में समर्पित जिथे देशों विदेशों में वसदे सिखां वालों वख-वख समागम उलीके गए हैं, उत्थे जगह जगह के दस्तार मुकाबले भी करवाए जा रहे हैं, धार्मिक प्रीख्यावां भी हो रही हैं। जे असीं गल करिए गुरुद्वारा साहिब पातशाही पहली अते दसवीं कपाल मोचन यमुनानगर हरियाणा दी, तां इत्थे 130 बच्चियां ने होण वाली धार्मिक प्रीख्या विच भाग लिया। अज लई बस इन्ना ही, हुण तुसीं मैनूं मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आग्या। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।